पावर ऑफ द लेंस क्या है, पावर है कि कितनी उसकी जो, जैसे मान लो कोई कन्वेक्स लेंस है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कन्वेक्स लेंस है, रे सीधी आ रही है, किसी कन्वेक्स ने यहां पर उसको फोकस कर दिया, दूसरा एक और कन्वेक्स है, रे सीधी आ रही है और कहां पर फोकस हो गया, यहां पर फोकस हो गया। अब देखो ना, यहां पर फोकस हुआ, यहां पर जो फोकस हुआ इससे जल्दी फोकस कर दिया, जल्दी कन्वर्ज कर दिया, इसकी पावर ज्यादा है और उसकी पावर कम है, वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। तो जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है उसकी पावर ऑब्वियसली छोटी होगी, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। तो 1 बाय फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है लेंस मेकर से, तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ है। तो पावर का ये फॉर्मूला नोट कर ले फॉर्मूला रजिस्टर में, पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। तो पावर की वैल्यू आ गई, जो पावर है क्योंकि कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर कन्वेक्स की पॉजिटिव है, कंकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर कंकेव की नेगेटिव है। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसके अंदर एसआई यूनिट पावर के 1 बाय मीटर है, 1 बाय मीटर को यहां पर डायोप्टर बोलते हैं डी, तो पावर के यूनिट्स क्या है, एसआई डायोप्टर। हालांकि सीजीएस में ये फॉर्मूला गिवन होता है 100 अपॉन एफ, मत याद करो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन जो भी मीटर में होगी वो डायोप्टर बन जाएगी, बात खत्म। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट में दो थिन लेंसेज को जोड़ दिया और देखा कि इमेज कहां बनी। जब आप एक लेंस लेंगे, एक अकेला लेंस, एक अकेले लेंस के लिए मान लो वो ऑब्जेक्ट है, अकेले लेंस ने इमेज कहां बनाई, आई डैश पे, एक और लेंस रखा गया उसने और कन्वर्ज कर दिया, आई डैश को शिफ्ट करवा के इसने और कन्वर्ज करके कहां बना दिया, आई पे। तो इस लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है, इस लेंस के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और आई इसकी इमेज है। क्लियर है? तो पहले लेंस के लिए 1 बाय फोकल लेंथ एफ वन है, 1 बाय वी डैश, इमेज क्या है, वी डैश है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू एल लेंस फॉर्मूला। सेकेंड लेंस के लिए 1 बाय एफ टू, इमेज कहां पर है, वी पे है, ऑब्जेक्ट वी डैश पे है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, तो जो दो लेंस इन कॉम्बिनेशन है उसके लिए ऑब्जेक्ट यू और फाइनल इमेज वी पे बन रही है, तो इसकी जगह कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ एफ आएगी। तो ये फॉर्मूला नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2। ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें। इसमें ये अजम्पशन है कि दोनों लेंसेज कन्वेक्स लेंसेज हैं, तो एफ1 एफ2 की साइन कन्वेंशन इसमें पॉजिटिव है। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है और एक लेंस कनकेव हो जाता है तो उसकी न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन क्या पुट करनी है, नेगेटिव, जिस जो भी कनकेव होगा नेगेटिव, अगर दोनों कनकेव हैं तो दोनों नेगेटिव। ठीक, तो मैंने इसमें एक एग्जांपल किया भी हुआ है, एक कन्वेक्स एक कनकेव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल एंड फोकल लेंथ इसके इक्वल है, इसमें स्पेशल केस बना रखा है, अगर एफ टू एफ वन के बराबर हो जाता है, यानी कि एक कन्वेक्स है एक कनकेव है दोनों की फोकल लेंथ बराबर है, तो एफ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास क्यों, जितना एक कन्वर्ज करेगा दूसरा उतना डाइवर्ज कर देगा, तो सीधी रेज आएंगी, सीधी पास हो जाएंगी। लेकिन अगर एफ टू बड़ा है एफ वन से, एफ वन बड़ा है एफ टू से, तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। तो ओवरऑल जो लेंस है वो कैसे एक्ट करेगा, कनकेव, क्योंकि ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव की तरह काम करेगा, और अगर ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्या काम करेगा, कन्वेक्स। तो ये फॉर्मूला है, पावर की फॉर्म में पी वन प्लस पी टू किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, पी वन प्लस पी टू। और अगर लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, हमने चिपकाया हुआ है लेंस को, अगर इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन डी है, तो ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करना, इसका प्रूफ नहीं करना, आता भी नहीं न्यूमेरिकल वैसे इसके ऊपर, फिर भी आप नोट कर लें एक बार कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस गिवन हो तो क्या करना है।